हम उनको अपनी तरफ से बधाई दे रहे हैं और सारे मुसलमानों की तरफ से जैसे बधाई दे रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार 5 साल जो है सरकार चल चुकी है, 5 साल लोग देख चुके हैं, आने वाला जो है अगला 5 साल भी बहुत अच्छा ही गुजरेगा, क्योंकि 5 साल का एक्सपीरियंस माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बड़ा अच्छा रहा है, आगे भी चलेगा और बहुत बेहतर चलेगा। गृह मंत्री का जो है शपथ ग्रहण समारोह अमित शाह जी के लिए भी बहुत बहुत अच्छा रहेगा। चुनौतियां तो देश में बहुत हैं, काम भी देश में बहुत हैं, लेकिन सारे काम बहुत आसानी से अमित शाह जी निपटाएंगे। जो बाहर के लोग हैं ये भी जान जाएंगे कि अमित शाह ने जो काम कर दिया 5 सालों में वो कोई नहीं कर पाया। सबका साथ, सबका विकास, सबको रोजगार, ये सारी समस्याएं जो है हिंदुस्तान की हैं। लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद में अगला 5 साल भी बहुत बेहतर ही जाएगा, क्योंकि लोगों को उम्मीद है, हमें भी उम्मीद है कि सरकार अच्छा काम कर रही है, जो है आने वाले दिन में भी अच्छा काम करेगी। हम ये चाहते हैं कि नेता अपना अपना काम करते रहे, जो काम हिंदुस्तान के लिए बेहतर हो, हिंदुस्तान के लिए जो काम बेहतर हो, विकास हो, रोजगार हो, अच्छी योजनाएं हो, जो है देश में मील हो, फैक्ट्री हो, सबका विकास हो। चुनौतियां तो लोग देते रहते हैं, बहुत से काम लोग बताएंगे क्योंकि सरकार को टॉर्चर करने वाले भी सामने आवेंगे, लेकिन सरकार का कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ये माननीय मोदी जी की सरकार है। ये सरकार बड़ी बेहतर चली है 5 साल, अगला 5 साल भी बहुत अच्छा गुजरेगा, अमित शाह के लिए बहुत अच्छा गुजरेगा, और हम सबको जो है एक साथ बधाई दे रहे हैं पूरी सरकार को और आज के दिन अमित शाह को भी।